आज मैं आपको बता रही हूँ चावल के आपे, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसके लिए पहले बैटर बनाएंगे, बैटर भी बताते हैं कैसे बनाएंगे। मैंने ये चावल लिए हैं, ये थोड़े मोटे चावल हैं, इडली आपे डोसा थोड़ा मोटा चावल यूज़ होता है। 3 कटोरी चावल और 3/4 कटोरी हम उड़द की दाल लेंगे। आप किसी भी कटोरी किसी भी कप से मेज़र कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके घर पे कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग। मैंने इस पे 3 कटोरी चावल और 3/4 कटोरी उड़द दाल लिया है, और इसमें डालूंगी मैं थोड़े से मेथी दाना, और हम इसे भिगो के रख देंगे करीबन 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट, जैसे भी आप जब भी आपको बनाना है। देखिए इनको 6 घंटे हो गए हैं भीगते हुए। इसमें मैं थोड़ा पोहा डालूंगी जिससे हमारे आपे थोड़े क्रिस्पी होंगे। अगर आप डोसा भी बनाएंगे तो डोसा थोड़ा क्रिस्पी रहेगा इससे। ये बैटर आप इससे आपे इडली डोसा कुछ भी बना सकते हैं। 5 मिनट हम भिगो के रखेंगे, फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे, एकदम फाइन पेस्ट। हमने ये दाल चावल को ग्राइंड कर लिया है, देखिए कितना स्मूथ बैटर बना है इसका, और हम इसको फर्मेंट करने के लिए रख देंगे ओवरनाइट। अगर ठंडी है तो टाइम ज़्यादा लगता है फर्मेंटेशन में, और गर्मी है तो जल्दी फर्मेंट हो जाता है। हम सांभर बनाएंगे। सांभर के लिए लिया मैंने तूर दाल, मतलब अरहर की दाल 1/2 कटोरी। कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें गाजर है, लौकी है और पम्पकिन है। इन सबको मैं एक कुकर में डाल के इसको सीटी लगा लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक और पानी। 1/2 कटोरी दाल ली थी तो मैं 1 से 1.5 कटोरी पानी डाल दूँगी इसमें, और 2 सीटी लगा के हम इसे बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो साबुत भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है वो सब्जियाँ नहीं खाती है और सांभर उसे पसंद है, तो वो सब्जियाँ भी खा लेती है इस बहाने। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा राई, मस्टर्ड सीड्स, हींग और 8 से 10 करी लीव्स। इसको हम भूनेंगे 10 से 12 सेकंड तक, और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था, जो सब्जियों को हमने ग्राइंड किया था, वो इसमें ऐड करेंगे। ये ड्रम स्टिक्स हैं, अब मैं इसमें डालूंगी और इसमें थोड़ा पानी डाल के इनको पकाएंगे। अगर आपके पास ड्रम स्टिक ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे पका लेंगे 10 मिनट। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, मैं ऐड करती हूँ सांभर मसाला 10 मिनट के बाद। 2 चम्मच सांभर मसाला को पानी में घोल के मैंने ऐड किया है। सांभर मसाला डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, अच्छे से बॉयल हो जाएगा ये। थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, आप चाहें तो इमली का पानी या इमली का पल्प डाल सकते हैं। अब डालेंगे हरा धनिया, और हमारा सांभर रेडी है। मैं हमेशा सांभर 5 से 7 घंटे पहले बना के रख देती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट रखने के बाद बहुत ही अच्छा आता है। अब ये बैटर को मेरे ओवरनाइट हो गई है, मैंने इसको आधा कर दिया, 2 बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसको भी मैं आधा करूंगी, एक मैं प्लेन बनाऊंगी, प्लेन आपे, और एक मैं वेजिटेबल्स डाल के। इसमें मैंने गाजर और कैप्सिकम डाली है, कैरेट एंड कैप्सिकम। आप अपनी पसंद से इसमें प्याज डाल सकते हैं, टमाटो डाल सकते हैं। अब इसके लिए तड़का बनाएंगे, 1 टीस्पून ऑयल, उसमें थोड़ा सा राई, मस्टर्ड सीड्स, थोड़े कदी लीव्स। क्रैकल होने के बाद हम इसे बैटर में डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करके हम इसे आपे स्टैंड में पोर करेंगे। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम बैटर को इसमें पोर करेंगे, हम इसे ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे ताकि ऊपर किनारे पे चिपके ना और हम इजीली पलट पाए इनको।
अभी हम लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे करीबन 40 to 50 seconds। हम एक बार देखेंगे इनको। इतने हम कोकोनट चटनी बनाते हैं। ड्राई कोकोनट है, थोड़ा सा मिंट और कोरिएंडर, ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद, रफली ग्राइंड है, इसमें हम भुने हुए चने का पाउडर डालेंगे। भुने हुए चने और चने डालें पाउडर, इससे चटनी बहुत स्मूथ बनती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए चटनी रेडी है। इसमें डालेंगे अब थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सॉल्ट, सॉल्ट में पीसने के टाइम भूल गई थी डालना इसलिए बाद में ऐड किया है, और थोड़ा सा नींबू। हमारी चटनी रेडी है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शुगर और सॉल्ट इसमें से अच्छे से घुल जाए। इतने इसका तड़का बनाते हैं। तड़के के लिए लेंगे हम 2 teaspoon ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी राई, एक लाल मिर्च, 2 टुकड़े करके डाला है हमने, थोड़ा करी लीव्स, 5 से 7 करी लीव्स। हमारा तड़का रेडी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी नारियल की चटनी एकदम तैयार है। अब हम आपे को पलटते हैं। स्पून की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से, किसी से भी आप इनको टर्न कर सकते हैं। देखिए कितने इजीली निकल गए और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ऊपर से देखने में। हमने एक बार ऑयल लगाया, दोबारा इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं ऑयल। अब इनको पलट के फिर हम सेक लेंगे थोड़ी देर। अब हम इनको निकाल लेंगे आपे को। बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, क्रिस्पी एकदम। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम प्लेन आपे बनाएंगे, जो हमने प्लेन बैटर रखा था। बहुत ही अच्छा नाश्ता है ये। आप चाहे सांभर के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं या दोनों के साथ, आपकी चॉइस है। बहुत यम्मी लगते हैं। आप चटनी के साथ भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं इनको। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। इनको हम पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इन पर। आपको जालियाँ दिख रही हैं इनके ऊपर, कितने अच्छे से ये स्पॉन्जी हुए हैं, फ्लफी हुए हैं। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। चावल और दाल के बैटर से बने आपे, और इतना इजी एक ही बैटर आप बनाएं। आप चाहें तो इडली बनाएं, आपे बनाएं, डोसा बनाएं, उत्तपा बनाएं। बहुत ही अमेजिंग लगते हैं खाने में। कितने सॉफ्ट बने हैं। बनाइए घर पर और इन्जॉय कीजिए एक बार।